क्या है, कैसे है, कैमरे में देखना बताइए। देखिए, संघर्ष तो एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि आज हर आदमी और हर वो गार्जियन अपने बच्चों के सामने ही संघर्ष करते नजर आ रहा है। रीज़न ये है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं खेल पा रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, और उसी बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है ताकि कम से कम जो संस्कार पहले के, जैसे हमारे पापा जब हम कुछ खेलना चाहते थे तो पापा अपने कंधों पे लेकर हमें खिलाया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम घर जाते हैं तो बच्चे पहले मोबाइल मांगते हैं, हमें नहीं। उसी बेस पे है कि आजकल बच्चे गेम के तहत इतना दिमागी तौर से, कई सारे बच्चे तो अपने माँ बाप के कत्ल कर देते हैं, कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम को देखते देखते, गेम को चलाते चलाते, गेम को खेलते खेलते। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे समाज के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं है। जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो बच्चे अगर अपने माँ बाप से खेले तो शायद आने वाली पीढ़ी हमेशा संस्कार में लिपटी रहेगी, और एक संस्कार का जो योगदान है हमारे जीवन में, संस्कार का योगदान बहुत बड़ा होता है, तभी हम अपने दुनिया में लोगों को पहचान पाते हैं। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल को पहचान रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी की है, और एक समाज को एक अलग दिशा देने के लिए, ताकि समाज अपने बच्चों को टाइम दे, पिता अपने बच्चों को टाइम दे, और बच्चा भी अपने बाप और मम्मी को टाइम दे, ताकि उसको ये समझ में आए कि नहीं, माँ बाप का प्यार कितना प्यारा होता है। इस सिनेमा में मेघा श्री जी हैं, माई श्रीवास्तव जी हैं, सब्बा खान जी हैं, और समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, विनोद मिश्रा हैं, संजय पांडे हैं, अनु करोड़ा जी हैं, मटरू भाई हैं, और मानी बहुत सारे कलाकार इसमें हैं जो कि हाँ, और जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना 110% दिया है। विनीत विशाल है जो कि मेन भूमिका में है, जो कि हमारा जो इसमें फाइट दिखाया गया है आपको बैंकॉक में, पटाया में, तो मेन लीड वही कर रहे हैं, विलेन का जो भूमिका होता है, एक विलेन जो गेम प्लान करता है हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, उसी कहीं ना कहीं जाल को हमारा हीरो तोड़ता है। इसमें मेरी बेटी है जिसका नाम कृति यादव है, जो कि विलेन के मरने के बाद ही सिनेमा शुरू होता है, और लास्ट में जो हम खुद ही परसों हम सब लोग सिनेपोलिस में देख रहे थे पटना, और मुझे नहीं लगता कम से कम 150 पत्रकार लोग थे, यूट्यूबर भाई थे, और सब लोग रो रहे थे, हम रो रहे थे, सर रो रहे थे, माही रो रही थी, हमारे पराग सर रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक सिनेमा है जो अपनापन जब दिखता है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर होती है, और हमने कोशिश की। अब आप लोग की कोशिश है, क्योंकि समाज की आप भी एक आईना हो, आपको दुनिया जानती है, आपको दुनिया सुनती है, आपको देखती है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार इस सिनेमा को ज़रूर देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि नहीं, भोजपुरी बदल रही है। और भोजपुरी में बदलने में मुझे लगता है कि नील का पत्थर साबित होगा, जिसका नाम संघर्ष 2 है। तो हमारी एक कोशिश है, अब कोशिश आप सबकी है, तभी हम अपने आप को बड़ा कर पाएंगे। थिएटर थोड़े कम है हमारे पास, और हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हम सामान तो बेहतर बना रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए हमारे पास दुकान नहीं है। तो बस थिएटर जो बंद हैं कम से कम वो खुले, और कोई नई निर्माण हो थिएटर के लिए, सिनेमा हॉल बने, थिएटर बने, मल्टीप्लेक्स बने, तब जाके शायद हम अपने आप को भी 200 करोड़ 300 करोड़ की सपना देख पाएंगे। क्योंकि हम सामान तो अच्छा बना लेते हैं, बट हमारे पास बेचने के लिए दुकान नहीं है, और चीज़ें तो दुकान में ही बिकेगी। तो इसीलिए सरकार से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इंटरटेन भी एक ऐसा साधन है जो रोज़गार का बहुत बड़ा साधन है। लगातार हम लोग यूपी में शूट तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ सब्सिडी के भरोसे, चलाने के लिए हमारे पास थिएटर ही नहीं है। तो मैं सरकार से, यहाँ के भी, बिहार के भी सरकार से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा थिएटर के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हम भी 200 करोड़ 300 करोड़ का धंधा कर सकते हैं, और हमारे पास दुकान होगा तो हम अपना सामान बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। सर, इस फिल्म में आप अन्ना यानी सुनील सेट्टी की कुछ रोल में कुछ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं क्या सारी हूँ, सुनील सेट्टी नहीं मैं एक्चुअली मेघा श्री का जो इस सिनेमा में रोल है, ये मैं साउथ से हैं, तो मेरी जो शादी इनसे होती है वो साउथ कल्चर के हिसाब से होती है, क्योंकि मेरे माँ बाप इस सिनेमा में नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, और मैंने अपने मेहनत से इस चीज़ को बड़ा किया है, और हमारा इनका प्यार होता है, तो ये साउथ से हैं, इसलिए हम साउथ कल्चर को कल्चर से ही शादी इनके साथ हमने किया है, तो अन्ना नहीं हो बट साउथ कल्चर में हमारी शादी हुई है इनके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा जिगरा है सर, कि हमारे पास दुकान बहुत कम है, बेचने के साधन बहुत कम है,
लेकिन उसके बावजूद भी उतने में ही आप 3-4 करोड़ की फिल्में बनाओ भोजपुरी में, तो ये बहुत बड़ा जिगरा का काम है। यहाँ कोई करता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कि रत्नाकर भैया, तो इनसे मेरा कभी मैं डायरेक्टर और हीरो वाला रिलेशन रहा ही नहीं, एक फैमिलियर रिलेशन रहा इनसे। और मैं कुछ भी बेहतर होता है तो इनके पास लेके जाता हूँ कि भैया ये चीज़ें आपको ही आप ही बना पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं बनी है। कुछ लोग हम अच्छी कहानी लेकर भी जाते हैं, लेकिन उसमें ना कैनवास होता है और ना ही उस सिनेमा का जो चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल नहीं पाती हैं, लेकिन इनके पास आने के बाद वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। इस फिल्म का शूटिंग कहाँ का आपने किया था, विदेश में भी किया और यूपी में? हाँ, हमने इसका शूटिंग बैंकॉक में किया, पटाया किया, उसके बाद पूना में किया, फिर यूपी में किया, तो चार गोरखपुर में। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कहानी को जो मैं लोकेशन चाहिए थी हम लोग उस लोकेशन पे जाकर शूट किए, तो ये इसकी ब्यूटी है कि जिसकी ज़रूरत थी वही किए हम लोग। समुद्र के अंदर आप जो ड्राइविंग किए उस पर क्या एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? वो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि समुंदर में हम आज तक कोई बाइक चलाए नहीं, और अचानक से मुझे 20 मिनट में वो बाइक चलाना था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। विदाउट फाइट मास्टर, विदाउट सेफ्टी, 30,000 गहरा फीट वो समुंदर, और उसमें आपको उतर जाना, वो तो रिस्की था, बट सबकी हिम्मत मेरे पास थी, और सबसे बड़ा रत्नाकर भैया की, क्योंकि 20-20 वो पानी बाइक को लाना वहाँ पे, क्योंकि हर पानी बाइक अगर 3 घंटे के लिए लोग देते हैं तो उनका बहुत एक बजट होता है, और उसमें